सड़क नहीं होने से घर तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को खटिया पर लेटाकर करीब आधा किलोमीटर तक चले परिजन। एम्बुलेंस में हुई महिला की सुरक्षित डिलीवरी। खबर शाहपुर से। मोखामाल ग्राम पंचायत के छितड़ीबाड़ ग्राम में सड़क नहीं होने से घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण परिजन गर्भवती महिला को खटिया पर लेटाकर करीब आधा किलोमीटर कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी कराई गई, जिसमें कि बेटे को जन्म दिया गया है। वहीं जच्चा बच्चा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में भर्ती किया गया है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि बच्चे का वजन कम होने के कारण एवं समय से पहले डिलीवरी होने के कारण दोनों को जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि छितड़ीबाड़ ग्राम में दीना काकुड़िया की पत्नी अंजू काकुड़िया को प्रसव पीड़ा होने से 108 एम्बुलेंस को कॉल किया था। एम्बुलेंस गांव तक पहुंची, लेकिन देना के घर तक कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण परिजन गर्भवती महिला को खटिया पर लेटाकर कंधे पर उठाकर करीब आधा किलोमीटर तक एम्बुलेंस तक ले गए, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था। वहीं 108 एम्बुलेंस में महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया है एवं एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी कराई गई है। वहीं मोखामाल के सचिव ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा महिला के पति ने पूरा मामला। मेरा नाम है दीना काकुड़िया। और जो महिला को खटिया पे लेके जा रहे हैं वो कौन है? ये डिलीवरी वाला वाइफ है मेरी। क्या हुआ है पूरा मामला, क्यों लेके गए खटिया पे? एम्बुलेंस जगह तक नहीं पहुंची मकान तक। कितने तो दूर लेके गए आप लोग? आधा किलोमीटर तक खटिया में लेके, खटिया पे लेके गए। डिलीवरी वगैरह कहाँ हुई और अभी कहाँ है महिला? डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई, 108 एम्बुलेंस में हुई। अभी कहाँ पे हैं जच्चा बच्चा दोनों? ये शाहपुर अस्पताल में है। क्या हुआ डिलीवरी का हुआ है? लड़की हुई है।